जीसीपी भी लेके आए थे। कौन लोग आए थे जेसीबी लेके? ये सोनू महाराज और वो उसका भाई छोटा, और 10-5 जने आए थे। वो हमारा गेट तोड़ा, हमारे अध्यासास को पकड़ के आए, उनको पकड़ के लाए और वहाँ पे जीसीपी खड़ा कर दी। हमारे घर धड़ा रहे थे, हम सामने हो रहे थे तो बोले कि हट जा। उन्होंने मुझे घिसेटा, इधर उधर करा। हमने बोला हम प्रेग्नेंट भी, हमें मत घिसो। फिर भी उन्होंने घिसा, फिर भी धड़ा के हमें अंदर घेर दिया। हम उधर से आए, हमारे पति ने ये भी आया, फिर उनको फ़ोन लगाया था, ये आए फिर इनको भी लात घुसे कर रहे थे। फिर सारा तोड़ फोड़ करा उन्होंने, हमारे LCD कैमरे, वहाँ पे पैसे भी पड़े थे उसके अंदर, वो भी ले गए। किसने ले आ? वो सेलू महाराज ने। वो बोले हट रही कि मैं इनको बीच बचाव कर रही थी मेरे पति को, कि बोले इसको हटाओ, कि मैं नहीं हट रही थी। दोनों ने मेरे लुगड़ी उगड़ी सब हेर दी थी, और पता नहीं वो कहाँ से लेके आए, उन्होंने एकदम छीटा, मेरे आँख में घुस गया था, कि बोला हट रही कि मैं एकदम नहीं हट। इनको लात घुसे और डंडे वगैरह भी थे, और वो पिस्टोल भी थी इनके पास, कट्टा। पुलिस क्या गिरफ्तारी नहीं कर रही इनकी? उन्होंने अभी नहीं करी कोई भी। अब कहते क्या, मेरे 7 महीने हैं, मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, मैं अपने आप को क्यों जलाऊंगी? बोले खुद ने जलाया कि दूसरों ने जलाया। पुलिस आपके पास आई थी? आई थी बस, वो आज पूछने वाली थी पर अभी नहीं आई। हाँ सैलन महाराज 10-15 आदमियों के साथ 4-5 गाड़ियों जैसी मशीन लेके मतलब जो गया, और मेरे खेत की जो बाउंड्री वाले बने गेट तोड़ा, और मेरे मकान पे मतलब जैसी भी रखी, मेरे मकान क्षतिग्रस्त कराया इन्होंने, और मेरे बच्चों और मेरी माताजी और मेरी बहू को इन्होंने मतलब घासले डालकर जलाया, और हार्ड डिस्क वगैरह ले गए, और हार्ड डिस्क में रखे 2 लाख रुपये भी ले गए, और TV तोड़ी LCD इन्होंने, और घर में घुसने के लिए मतलब बाउंड्री में घुसने के लिए पुलिस मतलब धारा की कंजूसी कर रही है। वहाँ घुसने के अंदर मतलब जो 147-148-49 धारा जो लगनी चाहिए वो नहीं लगाई, घर में घुसने की 452 जो लगना चाहिए वो नहीं लगाई इन्होंने, जिसके बाद में इन्होंने बच्चे को रिवॉल्वर आ रही जो उसकी 25 आम से जो लगना थी वो नहीं लगाई इन्होंने, 494-95-97 धारा लगनी थी वो भी लगाई, पुलिस उसमें कंजूसी कर रही है। और इसमें मुलजिमों को पुलिस मतलब बता रही, मुख्य आरोपी बाहर है और पुलिस इनको मतलब जो है शरण दे रही है। आगे अब आपकी सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप लोग? मैं मुख्यमंत्री तक जाऊँगा मतलब जो है, वहाँ तक जाके इनकी शिकायत करूँगा। इस तरह का दबाव बनता है, ये मेरे बच्चों पर दबाव बना रहे हैं कि मतलब जो है उन्होंने नहीं जलाया, ये तुमने खुद नहीं जलाया है, ऐसा हमें मतलब बार बार मतलब बच्चों पर दबाव बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है घनश्याम सिंह चौहान। ये पुलिस ने हमारे पहले दिन तो हमारे साथ में थे, लेकिन अभी तक उन्होंने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने 2 को तो बिठा रखा है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक फरार है। और उसके बाद में पुलिस आती है, हमारे ऊपर दबाव बनाती है, सबको अलग अलग ले जाती है, और हमको धमकाती है कि तुमको 307 में तुमको अंदर कर दूंगा, तुम बोलो कि खुद नहीं जलाया, ऐसा हम पर दबाव बना रही है पुलिस। हमारी मुख्यमंत्री जी से यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो भूमाफियाओं में इनको होने के बावजूद भी इनका मकान वकान अभी तक नहीं टूटा है, वो इनके जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करें और हमें न्याय दिला। मेरा नाम है तेजपाल सिंह।